टाइम्स ऑफ पिशावर मलकर शफी साहब। गुलाम मोहम्मद कैसर का शेर है कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम ही नहीं आता। इस शेर की अगर मुकम्मल हमने तशरीह और तफसीर देखनी हो तो हमें एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करनी पड़ती है जिनको दुनिया नजीबुल अंजुम के नाम से जानती है। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें टाइम दिया है और टाइम्स ऑफ पिशावर के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत जो है तो नजीबुल अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप थोड़ा परेशान तो नहीं हुए कोरोना के दिन है और हम आए आपका इंटरव्यू लेने के लिए? नहीं, परेशानी तो है, ये तो एक नेचुरल सी बात है। मैं मतलब ये कि अगर कहूँ कि नहीं है तो मुझसे ज्यादा नाज़रीन को पता है कि किस टेंशन से उन्होंने वक्त गुजारा और अभी भी गुजार रहे हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि ऐसे हालात में भी आपने वक्त दिया है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, अपने सेलिब्रिटीज जो हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं, आप जैसे बड़े फनकार जो हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। आप जो है तो अदाकारी के अलावा कुछ भी आपने नहीं किया, ये क्या मतलब है जहन में ख्याल आया कि भाई मैंने सिर्फ अदाकारी करनी है, इसके अलावा मैंने और कोई पेशा अख्तियार नहीं करना? जॉब्स मैंने की थी लेकिन ये था कि मैं अपने आप को मिसफिट समझता था और मैं इंसाफ नहीं कर सकता था। सच्ची बात है, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग में होता था तो मेरे जहन पे ऑफिस की टेंशन होती थी, और जब मैं उधर होता था ऑफिस में तो रिकॉर्डिंग की टेंशन होती थी। फिर ये था कि आउटडोर के लिए जाना पड़ता था, छुट्टियों का मसला था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये है कि मैंने देख लिया कि नहीं, मुझे तवज्जो इधर ही देनी चाहिए, लिहाजा फिर मैंने अपनी पूरी तवज्जो एक्टिंग की तरफ रखी। आप कभी माशी बन जाते हैं, कभी मजदूर बन जाते हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, कैसे कंसीव करते हैं आप? देखिए, ये तो मैं वही बात करूंगा कि वही गॉड गिफ्टेड है, रुझान की बात होती है। इंसान कुदरत ने बनाया होता है। अब देखें ना, जो भी अदाकार हैं हमारे हिंदू पाक में, आप देख लें कि उनके बाद उन जैसा कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, वही थे बस, बने बनाए इस काम के लिए जी। तो मैं भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे जो काम ले रहा है, जो लिया है, मैं इसी काम के लिए बनाया गया था। बैठो, कावा पियो। चमड़ा भी गुस्से वाले बंदे की तरह होता है, एक दफा हाथ से उखड़ जाए फिर इसे समझाना मुश्किल हो जाता है। तुझे तो किसी कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए था, हर बात में से नई बात निकाल लेता है। बात तो बात में ही होती है, बस उसे समझना जरूरी होता है। अब देखो, ये चप्पल इस चमड़े में मौजूद थी, बस इसे सही काटने वाला कारीगर चाहिए था। नजीबुल अंजुम हमारे मुल्क के मायनाज अदाकार आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है और उनकी दिलचस्प बातें जो है मैं तो उसमें खो गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। नजीब भाई, ऐसे है कि एक किरदार आपने किया था, आप माशकी बने हुए थे, ये माशकी की लेमैन होता है, उसको कैसे आपने पोर्ट्रेट किया? ये हमारे प्रोड्यूसर थे जियाउर रहमान साहब, ये इन्होंने उन पेशों के ऊपर बेस करके ये ड्रामा बनाया था कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ से मतरूक होते जा रहे हैं, उसमें मेरी औलाद नहीं होती। अच्छा। किरदार अच्छा। मतलब लोनली होते हैं मियां बीवी। अच्छा। तो वो भर्ती के टाइम जब वो रिटायर हो जाते हैं तो जो जैसा के असूल है महकमो इदारों का कि जी उनकी जगह उनके बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं, एक कंपनसेशन सी जो गवर्नमेंट ने रखी हुई, तो वो उस वक्त माशकी को एहसास होता है। अच्छा। कि काश अगर आज मेरी औलाद होती तो कम से कम मेरे उस पेशे को लेकर आगे चलती। शादा, तुझे तो पता ही है ना, बशीरे की और मेरी नौकरी खत्म होने वाली है। बशीरे की जगह तो उसका बेटा भर्ती हो जाएगा। अगर हमारा बेटा होता तो पता है क्या होता, बशीरे का बेटा झाड़ू लगाता और मेरा बेटा आगे आगे छिड़का करता, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह, छड़ 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 कन कड़िया मेरी मशकतिया, कड़िया मेरी मशकतिया, छड़ 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 कन कड़िया मेरी मशकतिया, कड़िया मेरी मशकतिया।
कड़िया मेरी मशक दिया, कड़िया मेरी मशक दिया। चलो चलो जी भाई, ज्यादातर हम देखते हैं कि कैरेक्टर एक्टर जो है तो आपने किए हैं, ऐसे रोल्स किए हैं कि जिसपे आप जो है तो कभी जालिम होते हैं, कभी वडेरे होते हैं, कभी मतलब उसमें खो जाते हैं, यूनिक किरदार अदा करते हैं, कभी रोमांटिक रोल्स भी किए आपने के लिए। यकीन माने ये मेरी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। मैं बड़ा कॉन्शियस होता था और मुझसे नहीं होता था। अच्छा, और रोमांटिक कैरेक्टर तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल से कोई एकद किया हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, हाँ नहीं, मुझसे नहीं होती वो रोमांटिक एक्टिंग। करोबी ड्रामे में तो एक स्टेशन मास्टर का करेक्टर था जी। और वो समीना पीरजादा थी, उस्मान पीरजादा थे उस सीरियल में, सीरियल था वो, डॉक्टर डेनिस आइजक ने वो तहरीर किया था। तो चूंकि करेक्टर रोल था और चूंकि फर्स्ट टाइम मैं समीना पीरजादा के साथ वो यहाँ पेशावर आई हुई थी, अच्छी परफॉर्मर, थिएटर का उनको बड़ा एक्सपीरियंस, फिल्म का और टीवी का, तो जाहिर है फिर जब सीनियर आर्टिस्ट सामने हो तो बड़ा मोहतात होकर काम कर। उस हवाले से मेरे पास परफॉर्मेंस का बड़ा अच्छा खासा मौका था। छोड़ो, बोल दे भाई ना, छोड़ ना। ओ मेरे यार, वो देख क्यों है तनु यार तू? मैं ठीक हूँ, बोल भाई। नहीं चुप कर, बोल पे, बोल पे ने का। हाँ जी भाई, कोई ऐसा नाकाबले फरामोश वाकया हो जो कि पाकिस्तान टेलीविजन में एक्टिंग के दौरान, या मतलब है जो आपका वहाँ पे आना जाना होता था, कोई ऐसा वाकया करो तो याद कर। ये नई नई मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू हुई थी, ये अपना मुस्तनसर हुसैन तारर साहब किया करते थे, तो पेशावर से हम स्किट्स वगैरह रिकॉर्ड करके भिजवाया करते थे इस्लामाबाद। तो मैंने एक स्किट बनाया हुआ था अपने पास से कि प्रिंस बाहर के मुल्क से आया हुआ है और तर्जुमान उसके साथ बैठा है, प्रेस वालों को ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि जो फंडिंग करते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, तो वो प्रेस वाले क्वेश्चन करते हैं कि भई आप प्रिंस साहब से फरमाएं कि आपने इतने अरब रुपया भिजवाए, उसके बाद आपने भिजवाए ही नहीं है। तो मैं फिर उसको अपनी ज़बान में बताता हूँ, तर्जुमान मुझे जब कहता है तो क्या कहो तो कहते तर्जुमान फरमाते प्रिंस फरमाते हैं कि मैंने 20 अरब रुपया भिजवाया था आपको अस्पतालों के लिए और स्कूलों के लिए, बच्चों की तालीम एजुकेशन के लिए, और आपने अंडर पास और ओवर पास और ये क्या चीज़ें बना ली हैं आपने, सारी सड़कें वड़कें बना ली हैं, मैंने किसके लिए भेजा था। अब ये स्किट हम करते थे इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारे स्टेशन के जो जनरल मैनेजर थे, खुदा मगफरत करे, अरबाब खान साहब, बड़े प्यारे इंसान थे, वो बड़े सेंसिटिव थे। तो एक मैं नया नया टीवी में आया हुआ था, तो एक दिन और प्रोड्यूसर के कमरे में दाखिल हुए और एकदम आते ही लॉक किया उसको, लॉक करके मेरे सामने बैठ के मुझे कहते हैं, मिस्टर नजीब, ये आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मैंने कहा, सर कौन सी लैंग्वेज? कहते हैं, ये जो स्केट में करते हैं आप। मैंने कहा, सर वो कोई लैंग्वेज नहीं है, हमने अपने पास से बनाई हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई लैंग्वेज है, इसके कोई मानी होंगे, उधर इस्लामाबाद में सारी एम्बेसीज हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बना दें। मैंने कहा, सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बोले आप, बोले फिर बोले। तो मैंने कहा, तेई सो पाई, देखिए ना इसमें रशियन वर्ड भी है। अच्छा, इसमें मुझे रशियन शेड लगता है, इसमें मुझे तो रशियन लैंग्वेज लगती है। अच्छा, तो मैंने नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। तो इस तरह के वाकई। अच्छा, ये पब्लिक जो है आपसे मोहब्बत करती है, कभी ऐसा वाकया तो नहीं हुआ कि आप किसी और काम में मसरूफ हों और लोग आपसे आपके अदाकारी के हवाले से पूछना चाहें? ये हुआ है, कई मरतबा हुआ है। अब जैसे गमी खुशी में आना जाना तो लगा रहता है, तो मैयत में मैं बैठा हुआ था और
अब जाहिर है जब मैयत का क्या माहौल है आपको भी पता है, हाथ अपने उठाया हुआ है तो साथ ही एक बंदे ने हाथ उठाया दे। अच्छा सुनाओ ना जी, अगला कड़ा ड्रामा क्या होता है? तो मैंने कहा अच्छा अब मैं परेशान हो गया कि अब इसको मैं जवाब दूँ या ये दुआ मैं करूँ। तो इस तरह के होते हैं अक्सर हमारे साथ ये सच्चे। मुझे लगा मैं हरीस, लालची, खून चूसने वाले वो कुत्ते मार रहा हूं जो अपने ही घर को लूट रहे हैं। मुझे लगा मेरे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते हैं जो मुझे फाड़ देना चाहते हैं, जो मुझे खा जाना चाहते हैं। जज साहब, बस मैंने उनको मार दिया, मार दिया, मार दिया। नजीब भाई, माशाल्लाह एक भरपूर आपने जो है इनिंग्स खेली है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये बताएं जी कि इतनी मतलब कि कामयाबियां जो माशाल्लाह आपने समेटी हैं, इसके पीछे राज क्या है? बस मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने काम के साथ मतलब पूरी कमिटमेंट के साथ करूं, सिंसियरिटी के साथ करूं, और बजाय किसी का बुरा सोचने के अपनी तरफ तवज्जो दूं और अपने आप को किसी ना किसी तरीके से इस काबिल करूं, इतना बेहतर करूं। और मेरा जैसे हजरत अली का कौल है कि दुआएं मांगी नहीं जाती, हासिल की जाती है। ऐसा काम करो कि दूसरा तुम्हें दुआ दे, बजाय इसके कि तुमको मेरे लिए दुआ करे। ठीक है ना जी? तो ये ऐसे फार्मूले पे मैंने हमेशा अपने आप को रखा, बजाय इधर उधर देखने के कि अपने आप को किसी तरीके से फाइन किया जाए, बेहतरी लाई जाए, ताकि बेहतरी की गुंजाइश है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का मौका मैं हर वक्त इसमें रहता हूँ, तलाश में रहता हूँ कि कोई ऐसा मौका मुझे मिले कि किसी के लिए आसानी बन जाओ, किसी न किसी अपनी फैमिली में, दोस्तों में, आगे पीछे मेरा कोशिश होती है। और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बहुत भूखा प्यासा रहता हूँ, हर वक्त कोशिश करता हूँ कि मैं वो काम करूँ कि मैं रात को हेल्दी फील करूँ। रात के 3 बजे भी मैं यहाँ निकल के वॉक करता हूँ, मैं बातों पर अपने आप से भी बातें करता हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब मेरा दिल खुश होता है, अंदर से मैं खुश होता हूँ, क्योंकि अंदर से जब इंसान नाराज़ हो तो मामलात ज़िंदगी सब फिर गड़बड़ हो जाते हैं, उनका बैलेंस आउट हो जाता है। ज़बरदस्त जी। नजीब भाई, आपने हमें वक्त दिया और आखिर में कोई अच्छा सा मैसेज आज के हालात के हवाले से, नई जनरेशन के हवाले से, और वो लोग जो कि फन अदाकारी की तरफ आना चाहते हैं, उन सब के लिए आप एक मैसेज ज़रूर दीजिए। खैर, मैं क्या मैसेज दूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि बस अपने साथ सिंसियर हो जाए आप ज़िंदगी में, अपने साथ अपने आप को पहचान लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको, अल्लाह सलामत रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपने हमें वक्त दिया और टाइम्स ऑफ पिशार जो है तो आपका बहुत मशहूर है जी। हम दिल से आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। नाज़िम, नजीब उल अंजुम हमारे मुल्क के नामवर अदाकार जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम उनके मशहूर हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और टाइम्स ऑफ पिशावर के लिए उन्होंने टाइम निकाला, हम उनके बेहद मशहूर हैं। हम उनके लिए दस पर दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे और खुशियाँ उनके कदम चूमें। आपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा किसी और अच्छी सी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुझे और टाइम्स ऑफ पिशावर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।